हम कर रहे हैं इंग्लिश की यूनिट थर्ड का चैप्टर टू द विंड एंड द सन। विंड मीन्स हवा, द सन यानी सूर्य। ये है विंड और ये है सन, और ये इसमें एक मैन है, ये रोड पर जा रहा है, इसने कोट पहन रखा है। तो ये एक डायलॉग स्टोरी है, डायलॉग मतलब जिसमें बात करते हैं। तो ये विंड और सन आपस में बात कर रहे हैं, हम स्टोरी रीड करते हैं। विंड यानी हवा, हवा बोलती है सन सूर्य, कैन यू सी दैट मैन, क्या तुम वह आदमी देख सकते हो, वॉकिंग डाउन द रोड, जो नीचे रोड पर जा रहा है, ये रोड पर मैन जा रहा है। तो विंड बोलती है सन से, सूर्य क्या तुम वह आदमी देख सकते हो तुम जो रोड पर जा रहा है, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू कैन। अब ये विंड हवा बोलती है सूर्य से, मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी इस आदमी का कोट उतरवा सकता हूँ। ये हवा क्या सोचती है, मैं बहुत तेज हवा चलाऊँगा तो इसका कोट जो है वो उड़ जाएगा। तो ये यही बोल रही है सूर्य से कि मैं इसका कोट तुमसे ज़्यादा जल्दी उतरवा सकती हूँ। अब सन क्या बोलता है, देखो सन स्माइलिंग, सन हंस रहा है, मुस्करा रहा है। वी विल सी, हम देख लेंगे, हु इज स्ट्रोंगर, कौन स्ट्रोंगर है, मतलब तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो या मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो हम देख लेंगे हम में से कौन स्ट्रोंगर है। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं पहले तुम्हें कोशिश करने दूंगा। तो विंड हवा क्या करती है, देखो पफिंग हिज चीक्स, वह अपने चीक्स फुला लेती है, मतलब उसने बहुत सारी हवा भर लेती है, देखो इसने चीक्स फुला रखे हैं। एंड ब्लोइंग हार्ड, और ये क्या करती है, बहुत तेज फूंक मारती है, ठीक है, यानी हवा चलाती है। हू, ये लिखा हुआ है हू, ये साउंड होती है हवा का। मैन, आदमी क्या बोलता है, देखो अब ये रहा मैन। हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टूडे, आज कितनी तेज हवा चल रही है। वॉट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये जो हवा चल रही है ये मेरा कोट उड़ा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ, मुझे इस अपनी कोट को चारों ओर से और अधिक तेज टाइट पकड़ना होगा। विंड, हवा क्या करती है फिर से, ब्लोइंग हार्डर, हू, और अधिक तेज हवा चलाती है, ये देखो ये है ना बहुत तेज हवा चला रही है। मैन, अब आदमी क्या करता है, देखो बहुत तेज हवा चलेगी तो फिर ये मैन क्या करेगा, पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, अभी अपने कोट को पहले से और ज़्यादा अधिक टाइट पकड़ लेता है। हाउ कोल्ड इट इज़, आज कितनी सर्दी है। विंड, हवा बोलती है सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, अब हवा बोलती है सूर्य से मैं अपनी हार मानता हूँ, देखो हवा चलते तो इसने बहुत तेज कोट को पकड़ लिया, ये नहीं उतरवा सके। तो बोलती है हवा सन, मैं हार मानता हूँ, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं इस आदमी का कोट नहीं उतरवा सका। अब सन बोलता है नाउ इट इज़ माई टर्न, अब मेरी बारी है, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। ही शाइन्स हार्ड, तो सन क्या करता है, बहुत तेज चमकता है, ये देखो चमक रहा है बहुत तेज। मैन, अब आदमी क्या करेगा, व्हाट अ फनी डे, बोलता है आज कितना अजीब दिन है, देखो थोड़ी देर पहले सर्दी थी, हवा चल रही थी, और अब बहुत तेज धूप हो गई, क्योंकि सूर्य चमक रहा है तो धूप हो जाएगी जिससे गर्मी हो जाएगी, और अब कितनी, नाउ इट इज़ सो हॉट, अब कितनी अधिक गर्मी हो गई है। सन, सूर्य शाइनिंग हार्डर, वो और अधिक तेज चमकता है, देखो सन ये स्माइल कर रहा है, बहुत तेज चमकता है। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, अब क्या करेगा ये सन, बोलता है मैं इस आदमी को बहुत अधिक गर्मी महसूस करा दूंगा, ठीक है, ये बहुत तेज चमकेगा तो इसको गर्मी फील होगी। तो मैन वाइपिंग हिज फेस, ये अपना फेस पोंछता है क्योंकि पसीना आने लगा है इसको, जब सन बहुत तेज चमकेगा तो धूप से गर्मी हो जाएगी जिससे इसको पसीना आएगा, तो अपने फेस पोंछता है। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, अभी क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि मुझे अपना कोट उतारना होगा। सन, सूर्य बोलता है विंड आई हैव वॉन, अब इसने कोट उतार लिया, तो सूर्य बोलता है हवा से आई हैव वॉन, मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, ये बोल रहा है कि मैंने इसका कोट उतरवा दिया इसीलिए मैं जीत गया हूँ, ठीक है। इसमें देखो कुछ न्यू वर्ड्स हैं, रोड यानी सड़क, कोट यानी ये जो कोट हम पहनते हैं ना विंटर में अपने शर्ट के ऊपर ड्रेस के ऊपर पहनने वाला, क्विकली जल्दी, स्ट्रोंगर ताकतवर, कौन ताकतवर है, चीक्स
यानी गाल, वॉन यानी जीत जाना। अब हम चैप्टर के वर्ड मीनिंग रीडिंग कर लेते हैं। विंड यानी हवा, सन सूर्य, सी देखना, मैन आदमी, वॉक चलना, रोड सड़क, क्विकली जल्दी, मोर ज़्यादा, स्माइल मुस्कान, स्ट्रॉन्गर ताकतवर, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ब्लोइंग उड़ाना या उड़ना, होल्ड पकड़ना, गिव अप हार मानना, फनी डे अजीब दिन या मज़ेदार दिन, फील महसूस होना, हॉट यानी गर्म और हॉटर यानी अधिक गर्म, जब दो के बीच में हम देखेंगे कौन अधिक गर्म है तो अधिक गर्म, वाइपिंग पोछना, वॉन यानी जीतना। तो हमारे ये जो चैप्टर है हमने इसकी रीडिंग कर ली, वर्ड मीनिंग हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।